हेलो अमेजिंग व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आ रही है जल्दी जगमगाती दिवाली का त्योहार और हमारे यहाँ हो रही है जोरों शोरों से दिवाली की तैयारियाँ। तो मैं बना रही हूँ दिवाली के लिए कुछ स्पेशल रेसिपीज, और ये दिवाली वाली रेसिपी है, तो प्लीज डाइट और कैलोरीज की बात तो बिल्कुल मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं दिवाली की अल्टीमेट प्यार भरी एपिसोड को। तो नमक पारे के साथ ना मैंने गुजिया भी बनाया था। ये भी मैं हर साल दिवाली और होली में अक्सर बनाया करती हूँ। पर्सनली गुजिया मेरा फेवरेट है। शादी के पहले ना मैं मेरी मम्मी के साथ ही बनाया करती थी। घी से बना हुआ ना ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं नारियल की गुजिया बना रही हूँ। आप गुजिया में क्या डालते हो जरूर बताइएगा। आटा लगाने के बाद ना मैंने आटा को थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। तब तक हम क्या करेंगे, हम गुजिया की स्टफिंग को तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन में घी डाला है और फिर घी में डेसिकेटेड कोकोनट को रोस्ट कर लूँगी। ये हमें लो फ्लेम पर करना है ताकि कोकोनट जले नहीं। फिर हम इसमें ड्राई नट्स ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे और थोड़ी देर चलाने के बाद दूध भी ऐड कर देंगे। फिर इसे चलाते रहेंगे। इसे तब तक चलाएं जब तक इसमें बाइंडिंग आना शुरू ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही। अब ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है, तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी ना, आटे को चार पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे चार कलर्स के आटे के बॉल्स बनाने हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं इसे। तो मैंने लिया है यहाँ फूड कलर, जिससे मैं आटे को कलर करने वाली हूँ। तो मैं ले रही हूँ सबसे पहले येलो कलर, ग्रीन कलर एंड रेड कलर। तो अब मैं क्या करूँगी ना, आटे की एक लोई में येलो कलर करूँगी। तो मैंने आटे पे येलो कलर लिया है और अब उसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के लिए मैं प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही हूँ। प्लेटफॉर्म में ये ज़्यादा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। फिर मैंने ग्रीन कलर डाला है, अब इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ग्रीन कलर की लोई भी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे रखते हैं साइड में और अब मैं फिर इसे रेड कलर करूँगी। तो सेम तरीके से हम तीसरी लोई को भी रेड कलर से मिक्स कर देंगे। मीन्स अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो जानी चाहिए। ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो तैयार है हमारे चारों कलर के बॉल्स, वाइट, येलो, ग्रीन एंड रेड। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे बेलेंगे। तो मैं प्लेटफॉर्म पे ही बेल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका बड़ा साइज चाहिए। मतलब नॉर्मल रोटी जो हम खाते हैं वैसी साइज नहीं, हमें इसे बहुत ही बड़ा आकार देना है। तो मैंने सारे के सारे बॉल्स ऐसे ही रेडी कर लिए थे बेलकर और साइड रख दिया था। तो अब मैं इसमें पानी लगाऊंगी और एक एक करके सारी लेयर डालती जाऊंगी। तो देख सकते हैं आप, मैंने बेलकर उस पर अच्छी तरीके से पानी लगाया है, फिर पहली लेयर और फिर से पानी लगाया है, फिर दूसरी और फिर से पानी, और फिर लास्ट लेयर रखेंगे। बट ध्यान रहे ज़्यादा पानी मत लगा देना, वरना वो गीली हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी। अब इसे हम वापस से बेलेंगे। तो अब मैंने इसे बेल लिया है, अब इसमें पानी लगा दिया है। एकदम हल्के हल्के मात्रा में पानी लगाना है, उसके बाद हम इसे रोल करेंगे। ये देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही करना, बिल्कुल ऐसे ही हाथों से दबा दबा कर इसे रोल करें। और लास्ट में मैंने वापस से इसमें पानी लगाया है ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो अब ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसके दोनों किनारे को, मतलब आगे और पीछे दोनों किनारे को साइड से कट करके निकाल कर हटा देंगे। तो मैंने दोनों किनारों को अच्छी तरीके से कट करके निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसके छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। ये देखो रंग बिरंगी कितनी सुंदर लग रही है ना। अरे तो इसी से तो बनेगी हमारी कलरफुल गुजिया। ये देखो मैंने इसे बेल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके किनारे में ना पानी लगाएंगे और अब बीच में इसकी स्टफिंग रखेंगे। उसके बाद इसे फोल्ड करके पैक कर देंगे। तो अगर जिसके पास मोल्ड नहीं है वो ऐसे फॉक से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं तो फॉक का ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखो बनकर तैयार हो गई है हमारी गुजिया। कितनी कलरफुल लग रही है ना। तो ऐसे ही मैंने सारे के सारे
गुजिया बनाकर रख लिए थे। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे, इसे तलने की प्रोसेस पे। क्या करेंगे ना, इसमें एक एक करके गरम गरम तेल में सारी गुजिया डाल देंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि सारी गुजिया एक साथ नहीं डालना है, इसे बैचेस में बनाएंगे वरना ये एक दूसरे से टकराएंगे तो बनेंगे नहीं ठीक से। ये देखो आप इस गुजिया की कलर देखो, कितनी खूबसूरत लग रही है ना गुजिया हमारी। अरे जब दिखने में अच्छी लगेगी तभी तो खाने में भी मज़ा आएगा। हाँ पर हमें ना इसे लो फ्लेम पर ही बनाना है। पहले क्या करना है ना, पहले हाई फ्लेम कर देना है और जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फिर हमें उसे लो फ्लेम करके तब एक एक करके सारी गुजिया डालनी है। अब हम ना इसे उलट पुलट कर दोनों तरफ से पकाएंगे। ये देखो आप ऐसे, ये देखो एक तरफ से ना कलर अच्छा आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छी तरीके से पलटेंगे, एक एक करके सारी गुजिया को पलट पलट कर फ्राई करेंगे। ये देखो गुजिया तैयार है, गुजिया में दोनों साइड से अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखो आप गुजिया, इसका देखो कलर भी अच्छा आया है और ये देखो कितनी खास्ता है, मतलब मुंह में जाते ही घुल जाएगा, खाकर तो मज़ा ही आ जाता है बस। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।